हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। बालों के झड़ना रोकने से लेकर नए बाल तक उगाने के लिए सिर्फ आप इस नुस्खे का 3 बार इस्तेमाल करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल बालों का झड़ना, बालों का पतला होना बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन कई बार हम इसके नियति सोचकर हम इस पे एक्ट नहीं करते, यानी कि हम कोई उपाय नहीं करते। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो बालों का आपका झड़ना है, ये ज़्यादातर एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से या फिर हमारे खान पान में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ही ज़्यादातर मुमकिन है, या फिर कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर इसको शुरुआत में ना रोका जाए, यानी कि अगर आपके बाल अभी अभी झड़ने शुरू हुए हैं और आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई नुस्खा नहीं अपनाया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज ही आप इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा देर वेट करते रहेंगे तो धीरे धीरे, अगर आप पुरुष हैं तो आपके सिर में गंजेपन तक की समस्या हो सकती है, और महिला हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो नुस्खा लेकर आई हूँ, आप इसका सिर्फ अगर 3 बार में 3 बार ही इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है। तो आइए देखते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, इसके लिए ये देखिए, ये है मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। फ्रेंड्स, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन हमारे बालों के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। अगर आप डाइट में भी अपने प्रोटीन लेंगे तो उनसे आपके बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए ये जो मेथी दाना है, फेनुग्रीक सीड्स हैं, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होने की वजह से यह हमारे बालों को मजबूती प्रदान करता है, उनके झड़ने की समस्या को रोकता है। साथ ही साथ अगर आपके बाल एक बार झड़ गए हैं तो उनको दोबारा उगाने में भी ये मदद करता है। तो आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, और इसके साथ साथ किन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इसको कच्चा नहीं लेना, बल्कि इसको पहले भूनना है। इसके लिए आपको ये जो 1 कप मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है, उसको आपको 1 कढ़ाई में डालकर इसको अच्छे से भूनना है। फ्रेंड्स, ये जब तक लाल ना हो जाए, इनको आपको अच्छे से भूनना है, और ध्यान रखिएगा कि इसको आपको धीमी आँच पर ही भूनना होगा। ये देखिए, ये हमारे मेथी दाने अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका चूरा बना लेंगे कि इस तरह से लाल हो जाए, इतना ही आपको इनको भून। ये देखिए, ये मेथी दाना जो हमने भून लिया था, उसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। इसके बाद जो चीज़ आपको लेनी है वह है, यह है आंवले का चूर्ण। फ्रेंड्स, आंवला हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है, यह बात तो जग जाहिर है। चाहे आप उसको खाने में इस्तेमाल करें, सूखा आंवला खाएँ आप, ताज़ा आंवला खाएँ, या फिर आप आंवले का पाउडर लें, लेकिन आंवला आपके बालों के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना गया है, और सदियों से इसका इस्तेमाल इस चीज़ में हो रहा है। तो अब आपको सिर्फ इतना करना है कि ये दोनों चूर्ण हमारे तैयार हो गए हैं। आपको एक खाली बाउल लेना है, उसमें आपको जो ये आंवला पाउडर हमने यहाँ पर लिया है, इसका लगभग 2 टेबल स्पून आपको इसमें ऐड कर लेना है। और जो ये मेथी दाने का पाउडर है, जिसको हमने पीस कर रखा हुआ था, इसका आपको 4 टेबलस्पून इसमें डालना है। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो आप इसी प्रोपोर्शन के हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको करना सिर्फ इतना है, तेल है बहुत ईजिली आप सबके घर में अवेलेबल होगा, इसकी आपको इसमें मिक्स करना है। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नारियल का तेल ले रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी क्वांटिटी आपको एकदम से ज़्यादा नहीं डालने देनी है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ही आपको इसमें तेल डालना है, बल्कि क्योंकि हम इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल पतला बना देंगे तो आपके बालों के लिए, वह लगाने के लिए आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, इसलिए बिल्कुल गाढ़ा सा आपको एक पेस्ट की तरह इसका बनाना है। ये देखिए, इस तरह से आपको एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। देखिए, ना ये बहुत ज़्यादा पतला है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, आपके बालों के लगाने के लिए ये पेस्ट बिल्कुल सही है। तो आपको इसको लगाना कैसे है, इसको भी आप ज़रूर जान लीजिए। फ्रेंड्स, इसको आपको जब भी आपको लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो बाल हैं वह उस समय सूखे होने चाहिए। गीले बालों में आपको ये पेस्ट कभी भी नहीं लगाना है। जब भी आपके बाल सूखे हों इसको लगाने के लिए, तो आपको इस पेस्ट को अपने बालों के जड़ों में लगाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, जड़ों में अगर आप लगाएंगे तो आपके बालों की जड़ों में जाकर जो इसमें मेथी दाना है, उसमें जो प्रोटीन है, उसकी क्वालिटी की वजह से पहले ये आपके बालों का झड़ना धीरे धीरे बंद करेगा, और उसके बाद आप पाएंगे कि उसी जगह आपके नए बाल उग आए हैं। और फ्रेंड्स, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको रेगुलर नहीं लगाना है, बल्कि हफ्ते में 3 दिन ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे 3 बार के इस्तेमाल से ही आपके बालों का झड़ना कम हो गया है, धीरे धीरे करके वह बंद हो जाएगा, और आपके उसी जगह पर नए बाल
आ जाएगी, क्योंकि यह तीनों ही ऐसी चीजें हैं जिनका आपके बालों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, बल्कि यह आपके बालों को हर तरह से फायदा पहुंचाने के लिए, बालों के झड़ने को रोकने के लिए, साथ ही साथ आपके बालों को घना और मजबूत बनाने के लिए यह तीनों चीजें बहुत ही अच्छी हैं। तो आप भी इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आपको मेरा यह नुस्खा पसंद आया है तो प्लीज फ्रेंड्स इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।